गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास. टुडे वी विल रीड आईटी नेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 1 एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज कॉर्नर में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो नंबर 1 है द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर की जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या स्टैंडर्ड मेमोरी बोलते हैं. तो इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी मेमोरी टिक कर देंगे हम. क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ दीज इज़ यूज बाय द कंप्यूटर टू टेम्परेरी सेव द करंट डाटा. इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज़ करके हम कंप्यूटर में टेम्परेरी सेव कर सकते हैं करंट डाटा को. जिस डाटा पे हम काम कर रहे हैं अभी उसको हम टेम्परेरी सेव कर सकते हैं. तो हमने क्वेश्चन आंसर में किया था रैम और रोम में डिफरेंस. तो रैम और रोम में से क्या आएगा आप सोचो. जी हाँ, रैम आएगा. रैम है वो टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा को, वो वोलेटाइल मेमोरी होता है. तो रैम पे हम टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड. सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या भी कहते हैं? टेम्परेरी मेमोरी, लग्जरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लग्जरी मेमोरी भी बोलते हैं. तो इस पे हमने टिक कर देना है ऑप्शन बी पर. आगे क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस हैज़ द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी. इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस में सबसे ज़्यादा हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है. तो चैप्टर हमने रीड किया था क्लास में. तो अब बताओ ऑप्शन नंबर ए है पेन ड्राइव, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी डीवीडी. तो क्या आएगा इसमें से, किस में स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है? हाँ जी, बी ऑप्शन हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा मेमोरी वाली होती है स्टोरेज कैपेसिटी, जिसमें 250 GB तक स्टोरेज कर सकते हैं हम डाटा. आगे हमारे हैं बी क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स. नंबर 1 डैश कंटेन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी डायरेक्टली रीड बाय द CPU. कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डायरेक्टली रीड कर लेता है CPU. तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो हम कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डायरेक्टली रीड कर लेता है. किसकी हेल्प से? CPU की हेल्प से. तो प्राइमरी मेमोरी कंटेन्स द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी डायरेक्टली रीड बाय द CPU. आगे है 2 डैश इज आल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी. किसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं? रोम को. तो रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी है ना नॉन वोलेटाइल मेमोरी. मैंने आपको बताया था वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में फ़र्क. वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जिसे बिजली की ज़रूरत होती है डाटा सेव करने के लिए. अगर बिजली चलेगी काम करते हुए तो हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा. नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जिसमें उसे बिजली की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली स्टोर कर लेता है. तो रोम होता है जिसे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी करंट की ज़रूरत नहीं होती और वो सभी डाटा को स्टोर कर लेता है. आगे है क्वेश्चन नंबर 3 डैश इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये टेम्परेरी होती है, इस पे हम काम कर रहे होते हैं. तो रैम होती है वर्किंग मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. नंबर 4 वी यूज़ डैश मेमोरी टू स्टोर डाटा परमानेंटली. हम किस मेमोरी का यूज़ करते हैं अपना डाटा परमानेंटली सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए? सेकेंडरी मेमोरी को. आगे है 5 डैश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा स्टोरेज डिवाइस. कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर होता है और ये बहुत हम इम्पोर्टेंट होती है कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, तो हार्ड डिस्क हमारा लास्ट 5 वाला आंसर है. अब हम करेंगे सी एक्सरसाइज. राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स. अब हम टी ट्रू के लिए लिखेंगे, एफ फॉल्स के लिए लिखेंगे. तो नंबर 1 है डाटा कैन बी स्टोर अप टू
Data can be stored into and retrieved from data storage devices only through a computer. जो data है उसके अंदर हम store कर सकते हैं, data को हम store कर सकते हैं, retrieve मतलब delete भी कर सकते हैं storage devices से computer में. जी हाँ ये है true. जो भी हम data store करते हैं हम उसको retrieve भी कर सकते हैं data को computer में से, तो true है. नंबर टू, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस ऑफर लिमिटेड स्टोरेज स्पेस. डाटा स्टोरेज डिवाइसेस होती है उनके अंदर लिमिटेड स्पेस होती है, वो उसका नेम ही है डाटा स्टोरेज, तो उसके अंदर लिमिटेड स्पेस को ही होगी, तो ये गलत है. यहाँ लिखेंगे हम एफ. नंबर थ्री, प्राइमरी मेमरी इज आल्सो कॉल्ड लग्जरी मेमरी और एक्सटेंडेड फैमिली. फॉल्स. प्राइमरी मेमरी को हम लग्जरी मेमरी नहीं बोलते ना एक्सटेंडेड एक्सटर्नल मेमरी बोलते हैं. लग्जरी मेमरी हम किसको बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को. नंबर फोर, टू लेयर डीवीडीज होल्ड डबल द अमाउंट ऑफ डाटा कंपेयर टू डीवीडी. वो क्या कह रहे हैं? टू लेयर डीवीडी होती है जो उसके अंदर हम डबल डाटा डबल अमाउंट ऑफ डाटा कंपेयर कर सकते हैं डीवीडी में. जी हाँ ये ट्रू है, टू लेयर डीवीडी होती है उसके अंदर हम दो गुना डाटा स्टोर कर सकते हैं. आगे है नंबर फाइव, हार्ड डिस्क कैन नॉट बी अटैच एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर टू स्टोर एडिशनल डाटा और सेव अ बैकअप ऑफ द प्रेजेंट डाटा. हार्ड डिस्क होती है उसके हम अंदर अटैच होता है कंप्यूटर स्टोर एडिशनल डाटा और उसके अंदर बैकअप भी होता है, बैकअप का ऑप्शन भी प्रेजेंट होता है. ये फॉल्स है, हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी अटैच नहीं होता. हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर अटैच होती है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं और उसके अंदर बैकअप कोई प्रेजेंट नहीं होता, तो ये गलत है, फॉल्स कर देंगे. तो आज हमने की है चैप्टर नंबर वन की एक्सरसाइज.